आपका। और अब अंत में बात उस सियासी कवायद की जो इन तमाम मसलों की व्यवस्था से जुड़ी है, बात उपचुनाव की। यूपी में खाली हुई 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 3 नवंबर को वोटिंग होगी तो 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। सात सीटों पर उपचुनाव का शंखनाद। तीन नवंबर को वोटिंग। दस नवंबर को आएगा रिजल्ट। ये महज तारीखें नहीं है बल्कि उस बेसब्री के समापन का समय है जिसकी प्रतीक्षा राजनीति के पुरोधा कर रही थी। यूं तो चुनावी समर अपने आप में दिलचस्प होता है, लेकिन अगर वही समर उत्तर प्रदेश की धरती पर लड़ा जाए तो दिलचस्पी का नया मानक स्थापित करता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण सूबा है और राजनीति की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक। इसी इमारत में अपने संख्या बल को बनाए रखने या बढ़ाने का संग्राम शुरू हो चुका है। यूपी विधानसभा की खाली हुई 8 सीटों में से 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारे में सितंबर के आखिर में गर्माहट महसूस की जाने लगी है, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और उसका उत्तर छिपा है 10 नवंबर। दरअसल 9 अक्टूबर को नामांकन पत्र खरीदने की अंतिम तारीख है, उसके बाद 16 अक्टूबर को नामांकन करने की आखिरी तारीख है। 19 अक्टूबर तक अपनी उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोटिंग होगी तो वहीं 10 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश के जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उन सीटों में फिरोजाबाद की टूंडला सीट, बुलंदशहर सीट, अमरोहा की नौगांव सादात सीट, कानपुर की घाटमपुर सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट, जौनपुर की मलहनी सीट और देवरिया सदर सीट शामिल है। इन 7 सीटों को लेकर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन मुख्य तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 6 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी